वेलकम बैक गाइस माय न्यू ब्लॉग वीडियो। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है, अभी हम आए खेत पर, पापा ने कहा नहर का लकड़ी है उन्हें उठा के लाना है, तो ये साइकिल पर हमने लकड़ी बांध दी है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और पापा उस गन्ने में घास काटने गए हैं, तो अब हम चलते हैं घर पर, फिर आपको वहाँ का सीन कुछ दिखाते हैं। तो चलो चलते हैं घर पर। तो गाइस घर पर आ चुके हैं और साइकिल दोबारा खड़ी कर आए, और आप लोग देख सकते हैं ये मेरे छोटा भाई अभी तक क्या ठीक नहीं हुआ है, आज इससे तिलान ले जाएंगे पापा दवा लगाने। तो अभी तक इसका बुखार 2-3 बार दवा भी ले चुका है, लेकिन इसका बुखार कम नहीं हो रहा है, तो अभी इसे शहर से दवा लाएंगे तब तो जाके ठीक होगा। तो चलो अब थोड़ा सस्ता लेते हैं फिर आपसे। तो हेलो गाइस, आज हम आए अपने दूसरे खेत पर, इसे हम लोग जोर बोलते हैं। तो ये जोर पर का खेत है, जैसा कि मेरा भाई छोटा आपको दिखाई दे रहा होगा, वो टांग पर खड़ा है। तो दिखाते हैं यहाँ का गन्ना मेरा किस प्रकार का है, कैसा नहीं, तो टांग के ऊपर चल के फिर आपको दिखाते हैं कैसा है। तो ब्लॉग में बने, तो जैसा कि गाइस देख सकते हैं हम इस वक्त टांग में बैठे हैं, जो कि मरैया की तरह बना होता है, जो रात को गाय रखाने के लिए आते हैं वही लोग यहाँ बैठते हैं। ये मेरे चाचा का है, देखो रजिया ही रखे और सब कुछ कुछ व्यवस्था रहती है यहाँ, क्योंकि यहाँ रात भर बितानी होती है, क्योंकि गैया अगर रखाएंगे नहीं तो गैया सारी उखाड़ी खा जाएंगी। तो हम और मेरा छोटा भाई इस पर इस वक्त बैठे हैं, तो हमने कहा चलो आपको भी बता देता है। जैसे कि गाइस आपकी चारों तरफ निगाह जा रही होगी, वीडियो में आप लोग देख रहे हैं चारों तरफ आपको गन्ना ही गन्ना दिखेगा। तो मेरी साइड गन्ना ज़्यादा किया जाता है, आपके साइड गन्ना कैसा किया जाता है हमें ज़रूर से बताना, क्योंकि मेरे तिलन में चीनी मिल फैक्ट्री भी है, तो इसीलिए यहाँ गन्ने की फसल ज़्यादा की जाती है। आपके यहाँ गन्ना की फसल या किसकी फसल ज़्यादा होती है हमें कमेंट में जरूर। तो जैसा कि गाइस आप ये कपड़ा देख सकते हैं, ग्रीन स्क्रीन है, जो कि 30-40 रुपए की मैं मार्केट से लाया था, और इसको इस पंखे को आप लोग देख सकते हैं, इसमें बांध कर और वहाँ उस बांस से बांध कर मैं इसे लगा देता था। और यहाँ पर गाइस यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मोबाइल रख के कुछ इस प्रकार से मोबाइल रख के इधर से वीडियो शूट करता था मैं। जब पिछली बात करूँ तो आज की बात करूँ तो मेरे 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग इतना प्यार से, पहले मेरे 10 या 20 व्यूज आते थे जब मैं यूट्यूब पर गया था, आज मेरे इतने ज़्यादा व्यूज आते हैं कि मेरी अगर चैनल मोनिटाइज हो जाएगा तो अच्छी अर्निंग भी हो जाएगी। आप लोग इतना ढेर सारा प्यार देते हो, तो जब पिछले दिन याद करते हैं तो यार बहुत अफसोस होता है कि मैंने क्या नहीं कुछ किया आप लोगों को पाने के लिए, बहुत कुछ सुना बहुत कुछ किया, जैसे तैसे मैं ग्रीन स्क्रीन लाया और मोबाइल एक छोटा सा है मेरा 5000 का, मैंने पहले से बताया है। और बहुत सारे लोग होते हैं कि मेरे पास ये नहीं वो नहीं तो कैसे वीडियो, भाई आपके पास जो है उसी से आप शुरुआत कर सकते हो और एक अच्छे मुकाम तक पहुंच सकते हैं। तो ये कहकर मत टालना कोई भी भाई कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, मेरे पास क्या था भाई, देख सकते हो कुछ भी नहीं है, अब भी कुछ नहीं है मान लो, लेकिन आप लोगों का प्यार है, तो आप लोगों का प्यार ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सब चीज़ ले लेंगे धीरे धीरे, मोबाइल भी ले लेंगे, अच्छा सेटअप भी बना। आप लोगों ने इतना ढेर सारा प्यार दिखाया उस होप टॉक वाली वीडियो पर कि आप लोगों ने उसे वायरल करा दिया, 1 लाख से भी ऊपर व्यूज आ चुके हैं। इतना ढेर सारा प्यार दिखाया कि वो वायरल हो चुकी है, उस पर 1 लाख से भी ऊपर व्यूज आ चुके हैं। आप लोगों ने इस चैनल पर भी हमें इतना प्यार दिया, इस पर जब मैं वहाँ पर गया था तो 3000 मात्र सब्सक्राइबर थे, आज 5000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं हमारे। ऐसे ही प्यार सपोर्ट अगर आपका मिलता रहा तो बहुत जल्दी मेरा चैनल मोनिटाइज भी हो जाएगा और मैं बहुत जल्दी कुछ यूट्यूब से अर्न कर सकूँगा, अपने माता पिता की हेल्प कर सकूँगा। तो बस इतना ही प्यार और सपोर्ट देते रहना अपने भाई को, अपनी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दिया करो। और मैं बहुत जल्दी जाने वाला हूँ एक मंदिर, जो कि मेरे यहाँ पड़ता है पास में, बहुत अच्छा मंदिर है भोले बाबा का, तो वहाँ जन चढ़ाने जाएंगे तो वहाँ का भी वीडियो देखने को मिलेगा। तो अभी तक जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर दें फटाक से, बेल नोटिफिकेशन को ऑल सिलेक्ट कर देना। तो आज मैं खेत पर गया तो वो वहाँ का सीन दिखाया, आप लोगों को मेरी वीडियोस बहुत अच्छी लगती है, इसके लिए धन्यवाद, आप लोग इतना प्यार सपोर्ट देते हैं। तब तक जय जवान।